दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जब उन्होंने WWE के अंदर अपना डेब्यू किया था, उनको देखने के बाद ये लग रहा था कि भाई ये सुपरस्टार शायद कहीं अगला ब्रोक लेसनर ना बन जाए। मैं बात कर रहा हूँ लार्स सुलिवन की। तो लार्स सुलिवन दोस्तों WWE कंपनी से अभी फिलहाल रिलीज हो चुके हैं। WWE कंपनी के अंदर लार्स सुलिवन कब आएंगे इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर लार्स सुलिवन दोस्तों WWE कंपनी के अंदर स्टिल होते तो हम ये बोल सकते थे कि लार्स सुलिवन के हमें काफ़ी बड़े ड्रीम मैचेस देखने को मिलते WWE कंपनी के अंदर। और जिस तरीके से उनकी बॉडी शेप थी, जिस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ थी, वो दोस्तों WWE के अंदर काफ़ी कमाल की थी। लार्स सुलिवन ने दोस्तों कर्ट एंगल जैसे सुपरस्टार को भी रिंग के अंदर पछाड़ा हुआ है। तो लार्स सुलिवन की बुकिंग तो WWE के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। NXT के ऊपर उन्होंने कीथली जैसे सुपरस्टार को काफ़ी ईजिली तरीके से हराया हुआ है। लार्स सुलिवन दोस्तों WWE कंपनी से रिलीज हो चुके हैं। WWE कंपनी के अंदर अब उनका आने का कोई चांस नहीं है। फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो लार्स सुलिवन हमें WWE कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले। दोस्तों लार्स सुलिवन ने अपने WWE करियर के अंदर लगभग 159 मैच रेसल किए हैं और उन सभी मैचेस के अंदर लार्स सुलिवन की बुकिंग काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों लार्स सुलिवन ने NXT के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। मेन रोस्टर के ऊपर आने के बाद उनको कोई स्पेशल बड़ा बोनस तो WWE ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी लार्स सुलिवन टाइम टू टाइम अगर WWE के साथ स्टिल डील में रहते तो लार्स सुलिवन का हमें काफ़ी बड़ा मोमेंटम सेट होते दिखाई दे जाता WWE के अंदर। लेकिन अब वो चीज़ होना दोस्तों पॉसिबल नहीं है क्योंकि लार्स सुलिवन अब WWE कंपनी के अंदर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर भी लार्स सुलिवन WWE के अंदर फिर से वापस आएंगे। तो लार्स सुलिवन ने काफ़ी अच्छे सुपरस्टार थे, WWE उनका यूज़ नहीं कर पाई और अनफॉर्चुनेटली अब लार्स सुलिवन WWE कंपनी के अंदर फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो लार्स सुलिवन के बारे में कि लार्स सुलिवन ने अपने WWE करियर के अंदर क्या कुछ किया है और फैंस इतना ज़्यादा अट्रैक्ट लार्स सुलिवन से सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पावर की वजह से ही हुए थे। तो बस दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।